यहाँ पे मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। इसके साथ भी जुल्म होगा, हम उसके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर अगर लाठी चलेगी वो लाठी पहले हमें लगेगी। हमने इनको वादा किया है कि आपके पास कोई भी बात होगी पहले हमारी लाश के ऊपर से गुजरेगा, तब आपके तक कोई पहुंचेगा। चाहे वो लंगर की बात हो तो भी खड़े हैं, अगर यहाँ पर हमें पहरा देना पड़ेगा तो भी हम खड़े हैं। असल हिंदुस्तान ये रहा, जो वो चला रहे हैं वो हिंदुस्तान नहीं है। केंद्र सरकार वालों लियांदे गए नवे कानून नागरिकता सोध बिल खिलाफ लोग सड़कां ते उतरे हुए ने, बहुत सारे सूबे मच रहे ने, ते दिल्ली दे शहीन बाग दी जेकर गल करिए तां काफी लंबे समय तो उत्थे लोकां वालों मोर्चा लगाया गया अते भारत सरकार दे इस कानून खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। हालांकि इत्थों कई तरह दीआं हिंसक घटनावां भी सामने आईआं, पर इस दे बावजूद भी मुसलमाना समेत वख-वख धर्मां दे लोग नागरिकता सोध बिल खिलाफ डटे हुए ने। धरने ते बैठे इन्हां लोकां लई हुण सिख भाई भी अगे आ गए ने। सिखां वल्लों इत्थे लंगर चलाए जा रहे ने, ते नाल ही कहा जा रहा है कि लंगर दे नाल नाल ओह हर तरह की हिफाजत लई इन्हां भैणां दे नाल खड़े ने। परिवार नहीं मैं कहूंगा, हम लोग जो है हम लोग भाई हैं, अपनी बहनों के लिए खड़े हुए हैं। हमने इनको वादा किया है कि आपके पास कोई भी बात होगी पहले हमारी लाश के ऊपर से गुजरेगा, तब आपके तक कोई पहुंचेगा। तो ये दीवार कह लो, हमारा एक धर्म कह लो, हमारा फर्ज कह लो, हम लोग खड़े हैं, हम लोग तन मन धन से खड़े हैं। चाहे वो लंगर की बात हो तो भी खड़े हैं, अगर यहाँ पर हमें पहरा देना पड़ेगा तो भी हम खड़े हैं। खानपुरिया भाई साहब मेरे साथ आ चुके हैं। हरमीत धरने ते बैठे इन्हां लोकां नूं भरोसा दिंदे हुए सिखां ने कहा कि वह उन्हां दा बाल भी वींगा नहीं होण देणगे। सिखां ने कहा कि वह हमेशा ही जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे, वह भावें हिंदू होवे, मुसलमान होवे, जां कोई होर धर्म का, हर किसी की मदद की जाएगी। आप फाड़ फेंके इनको, वो कहने आते कि हम इनको उखाड़ फेंके। देखिए जी, ऐसा है कि आप एक चीज समझा दूं मैं, ये सारी की सारी स्क्रिप्ट है, बेचते भी खुद हैं, भगाते भी खुद हैं, लेके भी खुद जाते हैं। इधर कोई आता नहीं है मर्जी से, उनमें से कोई बंदा यहाँ पे मर्जी से नहीं आ रहा, वो खुद बेच रहे हैं, खुद उठा के लेके जा रहे हैं, खुद रोक रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे में कितना रोष है। रोष उनको होना चाहिए, किस बात को उनको समझ नहीं आ रही। जी जी आप बोलिए। असल हिंदुस्तान यहाँ पे है। हाँ। असल हिंदुस्तान ये रहा, जो वो चला रहे हैं वो हिंदुस्तान नहीं है। अगर किसी को भी धर्म के नाम पे अगर एक देश चलाना है, एक बात थोड़ा दे, गुरु तेग बहादुर साहब ने जब जुल्म था हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी बलि दी, अपने आप को उनके ऊपर वार दिया, आज अगर मुसलमानों का जुल्म हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं। सिख का फर्ज सिर्फ जुल्म के साथ लड़ना है, सिख का फर्ज कोई भी हो उस तरह जो जुल्म करेगा उससे लड़ेंगे, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो क्रिश्चियन हो, जहाँ पे जो जुल्म करेगा हम उसके सामने दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। हमारे दो सिद्धांत है, एक पानी पढ़ना, खुदा के साथ भगवान के साथ जुड़ना, और दूसरों को मजलूमों को रक्षा करके उनको खाना खिलाना, और ये हमारा कोई रोक नहीं सकता, किसी का बाप नहीं आगे में। इन्हां सिखां दे नाल कुछ निहंग बाणी दे विच सिंह भी दिखाई दिते, जिन्होंने कहा कि जेकर धरने ते बैठे इन्हां लोकां नूं किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो वह उसका फिर मुंह तोड़वा जवाब देंगे। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। ये एक नूर से सब जग है, उस कुदरत के बंदे हैं आप। यार हम कौन होते हैं कि किसी को बुरा और सही कहने वाले, अच्छा और बुरा कहने वाले हम नहीं है। अगर
कोई बात बुरी भी है लग रही है तो सरकार आए, सरकार बात करने आए। बात समझिए कि जब पठानकोट पर हमला होता है तो हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी पठानकोट के हमले के वक्त ISI को वहां पे आने के लिए इजाजत दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं हम उनको बात करने का समय नहीं दे सकते, उनसे हम बात नहीं कर सकते। अगर हम ISI को समय दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो इनको सरकार को ये समझना चाहिए कि ये हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के वासी हैं, इनसे बात करना चाहिए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं मारने की बात, यहाँ पे मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। हम ये नहीं कहते हम बचाएंगे, लेकिन वाहेगुरु जी ने हमें जो हमारी ड्यूटी लगाई है कि हम हर एक मजलूम की रक्षा करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसके साथ भी जुल्म होगा हम उसके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर अगर लाठी चलेगी वो लाठी पहले हमें लगेगी, अगर उनके ऊपर गोली चलेगी तो वो गोली भी हम पे चलेगी। नागरिकता शोध कानून लेके मामला काफी ज्यादा गर्माया हुआ है, पर केंद्र सरकार ते इस दारता भी असर वेखण नूं नहीं मिल रहा। कई थावां ते हिंसक घटनावां भी वापरियां, पर सरकार अजे भी अपने फैसले ते डटी हुई है। खैर, सिख भाईचारे वालों दिते गए इस साथ दे चर्चे दुनिया भर च हो रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।